ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये शॉर्ट नोट में आएगा, बड़े क्वेश्चन के तौर पर ये नहीं है। 16 मार्क्स का भूल जाओ, 4 मार्क का या 5 मार्क का ज्यादा से ज्यादा है। नाउ डू यू एग्री, बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग के बाद क्या आता है? क्लासीफाइंग। जर्नल में रिकॉर्ड होता है और लेजर में पोस्टिंग होता है, क्लासिफाई होता है। सो डू यू एग्री, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग? सिंस बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है तो रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब डे बाय डे, तारीख बाय तारीख। आज 1 अगस्त है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन बाय लाइन। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच बुक, जर्नल एंड लेजर। तुम क्या बोल सकते हो? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा रहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एसेट लायबिलिटी सबका रिकॉर्डिंग जरूरी है। अभी टेल मी, रिकॉर्ड करने के बाद मैंने बताया था ना काम, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट टू एसर्टेन द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स दो प्रकार से आएगा, ए रिजल्ट्स जीपीएनबी। लेकिन कभी भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं अलग से ट्रेडिंग पीएनएल बोलने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बोला तो उसमें ट्रेडिंग ऑटोमेटिक आ गया। तो रिजल्ट्स किस प्रकार से? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है? तो समराइज किया जाता है, समराइजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। और फाइनेंशियल ईयर क्या है इंडिया का? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसपे मैं कल जब बेसिक कंसेप्ट दूंगा तब मैं चर्चा करूंगा, करेक्ट? इस पे मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर इंडिया का क्या है, कैसे शुरू हुआ, आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं उसमें, ये सब डिस्कस कर। उसके बाद थर्ड नंबर, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में दो चीज क्या है? देखो एक सिंपल आइडिया बताता हूँ तुमको, लर्न करना है। ये रिकॉर्डिंग हुआ, ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद ये पीएनएल हुआ जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और इनकम के बाद तुम्हारा पोजीशन जो कि बैलेंस शीट और लायबिलिटी बताता है। डू यू एग्री? सो इस हिसाब से तुम कर सकते हो। अब जैसे रिजल्ट में अमूल का टर्नओवर इज अराउंड 38 to 40 थाउजेंड करोड़, ये किससे पता चला? रिकॉर्डिंग के बाद फाइनल अकाउंट्स बना उससे। फाइनेंशियल पोजीशन में दो चीजें हैं, एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स। लायबिलिटीज क्या है? जो भी तुमको बाहर के लोगों को देना है, उसमें दो पार्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये सब मैं डिस्कस करूंगा कल जो बेसिक कंसेप्शन। और एसेट्स क्या है? रिसोर्सेज जो तुम यूज करते हो, कल बताऊंगा। लायबिलिटी सोर्स है, एसेट्स रिसोर्स है, ठीक है? तो फाइनेंशियल पोजीशन में दो चीज क्या आएगा? लायबिलिटीज और एसेट्स। नाउ सिंपल सा लॉजिक है, इफ योर एसेट्स आर मोर देन योर लायबिलिटीज तो तुम सॉल्वेंट कहलाओगे, इफ तुम्हारा लायबिलिटीज ज्यादा एसेट्स तो तुम क्या कहलाओगे? इंसॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास संपत्ति 1 लाख रुपए की है और लायबिलिटी जो कर्जा है 80 हजार, तो 20 हजार माइनस कम कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तुम सक्सेसफुल हो जाओगे कि 1 लाख में 80 हजार पे कर संपत्ति बेच दिया तो तुम पानी के ऊपर है तुम्हारा से। लेकिन 1 लाख का लायबिलिटी और 80 हजार का संपत्ति तो तुम क्या माने जाओगे? इंसॉल्वेंट। अच्छा ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी तो बैलेंस शीट से पता चलता है। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर बैलेंस शीट तो टैली होता है, सॉल्वेंसी इनसॉल्वेंसी कैसे पता चलता है? बैलेंस शीट के दो भाग होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। एसेट साइड में दो भाग होते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है? हालांकि आजकल फिक्स नहीं बोलते, नॉन करंट बोलते हैं वो, लेकिन डिस्कस करूंगा जब मैं फिक्स एसेट्स में आऊंगा। तो लायबिलिटी में एक इंटरनल होता है कैपिटल और एक एक्सटर्नल होता है बैंक से। तो तुम वो जो एसेट माइनस लायबिलिटीज जो एक्सटर्नल है वो माइनस करोगे तो तुम्हारा सॉल्वेंसी है, तुम कैपिटल माइनस नहीं करोगे, क्योंकि वो मालिक का पैसा है, उसको टेक्निकल भाषा में नेटवर्थ बोलते हैं, ठीक है? तो सॉल्वेंसी पोजीशन। और फिर इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड यूजर्स, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था? इंटरनल यूजर्स कौन कौन थे? ओनर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में कौन कौन थे? कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, पब्लिक, ये सब एक्सटर्नल है। और लास्ट में फुलफिलिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। अभी सेल्स टैक्स के बजाय जीएसटी डाल देते हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स तो अभी हट गया है, करेक्ट? सो जीएसटी के लिए लगेगा।
उसके पहले तुमको किसके लिए लगेगा, इनकम टैक्स ले लो, फिर जीएसटी बोलो किसके लिए लगेगा तुमको। ये तुम्हारा इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, इनकम कैसे पता चलेगा, जब तुम फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तब पता चलेगा ना। तो ये फुलफिलिंग लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए भी जरूर, समझ में है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ इसको लर्न करने के लिए मैं तुमको एक आइडिया बता दूं। सबसे पहले क्या करेंगे, पप्पू पास हो गया, कुछ जगह पे मैंने स्टोरीज बनाया जिससे तुमको लर्निंग इजी हो जाए। पहला देखो, पप्पू का रिकॉर्डिंग पहले कर रहे हैं, ऐसे सोचो स्कूल में है पप्पू, उसका डे टू डे अटेंडेंस कर रहे हैं, फिर उसका मार्कशीट आता है प्रॉफिट एंड लॉस, सोचो मार्कशीट आता है मतलब रिजल्ट, पप्पू का अटेंडेंस मतलब रिकॉर्डिंग, पप्पू का रिजल्ट मतलब उसका मार्कशीट सोचो। और जैसे मार्कशीट आया, डू यू एग्री कि प्रॉफिट एंड लॉस के साथ उसका स्थिति क्या है, पास हुआ है कि फेल हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, पास हुआ है प्रॉफिट, फेल हुआ है लॉस, ऐसे सोचो। अच्छा उसमें से भी बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, इफ एसेट साइड ज्यादा है लायबिलिटी से, एक्सटर्नल लायबिलिटी से, तो सॉल्वेंट हुआ, एसेट माइनस लायबिलिटी क्या हुआ, सॉल्वेंसी। पॉइंट नंबर वन क्या था, सर पप्पू का अटेंडेंस बुक कीपिंग, पप्पू का रिजल्ट तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट्स है। और ऐसे सोचो रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन एक सिंपल सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, रिजल्ट स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बोलो, बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन से अपने को सॉल्वेंसी पता चलता है, एसेट्स इज मोर टू सॉल्वेंट, लायबिलिटीज इज मोर टू इनसॉल्वेंट। और ये इंफॉर्मेशन इंटरनल यूजर मतलब माता पिता फैमिली फ्रेंड्स को पता चलता है, और फिर एक्सटर्नल यूजर इज द गवर्नमेंट फॉर लीगल, घर के लोग, बाहर के लोग, बाहर के लोग को गवर्नमेंट बोलो। सो कैसे सोचो, स्कूल के अंदर पप्पू है, उसका रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस ठीक है, फिर उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया तो उसमें ऐसे सोचो फाइनेंशियल पोजिशन है मतलब प्रॉफिट, तो रिजल्ट के दो भागे, पेज के दो भागे, आगे पीछे, आगे प्रॉफिट एंड लॉस और पीछे पोजीशन स्टेटमेंट मतलब लायबिलिटीज एसेट्स। अच्छा एसेट इज मोर देन लायबिलिटी, तो पॉइंट नंबर वन सॉल्वेंसी, ये किसको दिखाया जाएगा, माता पिता, वो कहाँ पर रहते, घर के अंदर इंटरनल। और फिर सोचो बाहर 11th एक्सटर्नल कॉलेज है गवर्नमेंट सोर्सेज, ताकि एडमिशन मिले तुमको 10th के बाद, 11th या 12th के बाद बीबीए में। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट याद रहेंगे ठीक है, एक बार लिख के निकालो बिना देखे ये पॉइंट्स।